कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मलिक साहब है ग्वालियर से, स्वागत है आपका। लुधियाना से मैडम नमस्ते जी। नमस्कार, लुधियाना से जी। हाँ, लुधियाना से बोल रहा हूँ। जी बताइए मलिक साहब। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, मैं मलिक बोल रहा हूँ लुधियाना से जी। आदाब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरी उम्र है इस वक्त 65+। अच्छा। और किसी तरह की कोई फिजिकली मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सारी जिंदगी अपनी फिटनेस रखी है। पिछले 25 सालों से योग से जुड़ा हुआ हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि मैं सारी जिंदगी मैंने दोनों टाइम ब्रश किया है, सुबह को भी और शाम को रात को सोते समय। अब थोड़ा सा गैपों अपना दांतों में ना मसूड़ों में गैप आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी झनझनाहट सी होती है। कोई मिलेगा इसका इलाज? ठीक है। हाँ देखिए, एक बड़ा अच्छा इलाज है दांतों के रोगों के लिए, और वो एक या दो बार ही करना है। और अगर आपको लगे कि ये ठीक होने लगा तो फिर आप महीनों भी कर सकते हैं। देखिए, जो अनार आप खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं, ये छिलका फेंकना नहीं है बल्कि इसका पाउडर या मंजन बना लीजिए और इससे फिर आप दांत मांजिए, तो ये आपके दांतों के लिए, उसकी मसूड़ों की मजबूती के लिए और गैप के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। अनार लाइए, छिलके आप ले लीजिए और उसका जो जूस है वो दूसरे घर वालों को पिलाइए, और आप मेरे ख्याल से आधा किलो भी ले लेंगे तो उसमें इतना मंजन बन जाए कि आपको कई महीने चल सके। तो आप इसे इस्तेमाल करें और खुश रहें। मेरी दुआ है आप इतनी उम्र में भी सेहतमंद हैं और सेहतमंद रहें।